डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं शाहजहाँबाद नूरबेल के करीब। यहाँ पे जो है जब से लॉकडाउन हुआ है जब से यहाँ गरीबों की मदद की जा रही है और आरिफ मसूद विधायक हमारे विधायक जी की तरफ से इतना बड़ा काम किया जा रहा है और ये काम कम से कम 22 तारीख से चल रहा है और यहाँ गरीबों को बहुत काफ़ी राहत मिल रही है और यहाँ से खाना पककर जगह जगह पहुँचाया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है। अल्लाह उनको अच्छा रखे, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जगह जगह लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और हम अगर देखें इस बात पे गौर करें, अगर हमारे विधायक जी जैसे लोग अगर नहीं होते तो जनता का क्या होता। ये आज आरिफ भाई जैसे लोग और लोग मिलके जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इस काम में हर इंसान को सहयोग मिल रहा है। आज के टाइम में देखा जाए कि सरकार ने सिर्फ लोगों को भरोसा दिलाया था, सिर्फ भरोसा दिलाया था, लेकिन वो भरोसा पूरा कहीं से कहीं तक निभाया नहीं। और ना मतलब सरकार की जो हम बात करें तो लोग सिर्फ सरकार पे बैठे हुए थे। अगर आज लॉकडाउन में हमारे विधायक जैसे लोग नहीं होते तो क्या होता गरीबों का। तो यहाँ पर हमारे विधायक जी की जो टीम है चारों तरफ लगी हुई है, वो दिन रात मेहनत कर रही है और हमने देखा, हमने ये गरीबों का, बेसहारों का, लाचारों का ये हमदर्द बने हुए हैं और हम भी आरिफ भाई की टीम को और आरिफ भाई को दिल से सलाम करते हैं और दिल से उनका उनकी टीम का सम्मान करते हैं। तो आइए हम कुछ सवाल हमारी जो आरिफ भाई की टीम है उनसे करते हैं। ये काम सबसे हो रहा है आरिफ मसूद साहब की टीम से हम करते हैं। तो ये हमारे शकील भाई हैं, डॉक्टर शाहिद साहब हैं, जामी साहब हैं और हमारे शफी भाई हैं। तो इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। 25 तारीख से लेकर अभी तक इनकी कड़ी मेहनत लगी हुई है सुबह से शाम तक और ये बिल्कुल हमारे विधायक जी का पालन कर रहे हैं, उनके हुक्मों का पालन कर रहे हैं। जैसे हमारे विधायक जी हैं आरिफ मसूद साहब वैसे ही उनकी टीम है। तो अब हम आपको उनकी टीम से रूबरू कराते हैं और उनसे पूछते हैं ये जो गरीब लोगों का खाना का बंदोबस्त चल रहा है वो कब से चल रहा है, तो बताइए शकील भाई। ये गरीबों के लिए जो खाना बन रहा है ये फर्स्ट रमजान से बन रहा है 25 तारीख से, और ये लगभग 2-2.5 क्विंटल हमारे यहाँ खाना बनता है और ये तमाम एरियो में जाके हमारे वर्कर जाके बांटते हैं। तो जिसमें के आपकी बात काटूंगा मैं, अब ये बताइए जो 2.5 क्विंटल माशाल्लाह खाना डेली बन रहा है तो ये वर्कर वहाँ जाके बांटते हैं, तो यहाँ क्या लोग आते नहीं हैं खाना लेने, और ये खाना जो बांटा जा रहा है वो कहाँ कहाँ बांटा जा रहा है प्लीज़ बताइए। ये हमारे यहाँ पर जो यहाँ आते हैं हम उनको भी देते हैं और हमारे जो वर्कर जो हैं मेहल्ले वाइज घर घर जाके बांटते हैं। बाग मुंशी हुसैन खां, सराय मुंशी हुसैन खां, मोहताज खाना, नूरमहल पाएगा, नूरमहल पठार के और ताज कॉलोनी और मॉडल ग्राउंड, इस्लामी गेट, ये सब एरियो में जाके ये हमारे वर्कर जाते हैं। वहाँ से वर्कर आते हैं हमारे मसूद साहब के, वो वर्कर ले आके घर घर ले आके लोगों को खाना देते हैं। देखिए आपने कितनी अच्छी बात कही हमारे शकील भाई ने, कितना नेक काम है ये। मतलब देखा जाए तो इस वक्त सारे लोग हमारे विधायक जी की जितनी भी टीम है बिल्कुल इसी काम में लगी हुई है। अभी थोड़े दिन पहले सामान भी दिया गया था, जो सामान दिया गया था वो भी थोड़ा बताएं आप, वो सामान कैसे दिया गया था और कहाँ कहाँ पहुँचा। देखिए जो सामान उन्होंने बांटा था वो अपने उनके वर्करों के द्वारा वो लोगों तक पहुँचाया गया। जो जो गरीब बेवाएँ थी, यतीम लोग हैं और बेसहारा और मतलब जिसका कहना है इस वक्त हर तरीके से वो परेशान हैं, तो उसके लिए ये उन्होंने अपने तरीके से अपने ढंग से जगह जगह वो सामान पहुँचाया गया, कच्चा जो सामान था। उसके बाद से उन्होंने फिर ये लॉकडाउन के चक्कर में ये जगह जगह किचन खोले गए। तो अब हम आपके डॉक्टर शाहिद भाई से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो शाहिद भाई ये बताइए जो किचन खुले हैं ये कितने किचन खुले और कहाँ कहाँ खुले? हाल फिलहाल अपनी गली के अंदर उत्तर विधानसभा के अंदर अपने 6 किचन चल रहे हैं। उत्तर विधानसभा जी, ठीक। और बाकी जो किचन चल रहा है अपना जो एक पजान लाल मस्जिद से, एक खाली कैम के अंदर, एक संजय नगर के अंदर, इस तरह 8 किचन यहाँ पर चल रहा है।
मध्य के अंदर अपने मध्य में कितने बजे किचन चल रहा है? नो किचन मध्य में चल रहा है, दो नरेगा जहाँ जहाँ किचन चल रहा है वहाँ पर जैसा जैसा मार्गदर्शन आर्य मंत्री साहब का रहता है, जैसा सब लोग अपनी अपनी टीम काम कर रही है वहाँ पर बराबर, तो जहाँ जहाँ खाना पहुँचाना जगह पहुँचाना सब पूरी टीम आर्य मंत्री की जगह जगह हर एक घर घर पहुँचा रही है टीम, पूरे मोहल्लों में गलियों में हर जगह पर, वो जहाँ पर किसी ने कोई भी लोग आ जाते हैं लेने के लिए तो उनको भी वहाँ पर भी खाना डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। देखा आपने कितना अच्छा काम हो रहा है, और अगर हम उसको दिल से देखें और सही नज़र से देखें तो ये दिखावा नहीं है, ये हकीकत है, ये अल्लाह का हुकुम है जो हमारे साहब जी बैठ के कर रहे हैं, अल्लाह ने तो उनको जरिया बनाया है, लेकिन ये जरिया कहाँ कहाँ जा रहा है ये अल्लाह ही जानता है, बहुत बड़ा काम हो रहा है ये, और अभी तक आरिफ भाई जैसे लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और फिर मैं एक बार कहूँगा अगर इन जैसे लोग नहीं होते तो इन बेचारे गरीबों को क्या होता, ये तो कब के भूखे मर गए होते हैं, सरकार के पास सिर्फ भरोसा दिलासा उस भरोसे दिलासे में, लेकिन जनता का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ, तो आइए आगे बढ़ता हूँ हमारे भाई के पास। जी भाई बताइए, जामे भाई से बात करते हैं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, इतना बड़ा काम माशाल्लाह हमारे विधायक जी कर रहे हैं, अल्लाह मियां उनको कामयाब करे और उनके साथ साथ आप लोग को भी कामयाब करे जितना दिन ना रात मेहनत आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आरिफ मंसूर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे गरीब जनता की आवाज़ को समस्या को उठाया और उनको खाना घर घर पहुंचाया, प्लस कच्चा सामान भी उन्होंने दिया। सबसे पहले लॉकडाउन जिस दिन हुआ था 22 अप्रैल को, उनकी पहल 24 अप्रैल से शुरू हो गई थी, मध्य विधानसभा में उन्होंने कच्चा सामान तकरीबन 2 लाख करीब के पैकेट पहुँचवाया। आपने हमारे विधायक जी आरिफ मंसूर साहब कितना बड़ा काम कर रहे हैं और उनके जो टीम के सदस्य हैं लोग हैं उन्होंने बताया, अगर ऐसा काम पूरे भोपाल शहर में इसी तरह होता रहा तो लोगों को लॉकडाउन का एहसास नहीं होगा, खास तौर से उन गरीबों को जिसके मसीहा हमारे विधायक जी बने हुए हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से हैं, जो बेचारे जरिया बने हुए हैं वो घरों घरों में देख रहे हैं, और अभी तक उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति कोई भी गरीब जनता के जितने भी लोग हैं वो परेशान नहीं हुए। तो हमारे साथ एक बार शफीक भाई भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम पूछते हैं उनका क्या कहना है इस मामले में। छबी भाई बताइए आपका क्या कहना है इस मामले में। सबसे पहले तो आपके माध्यम से भाई आरिफ मंसूर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनके तमाम टीम को जो इस वक्त देश में जो आपदा चल रही है, जो महामारी चल रही है, उसमें अपनी जान की बाजी लगाकर वो काम कर रहे हैं। आरिफ मंसूर साहब जो उत्तर में जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और उत्तर के लोगों की परेशानियों को देखते हुए जो ये किचन खुलवाए हैं, हम उत्तर के लोग जो है उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम अपने उत्तर के लिए जितने भी वर्कर जो हमारे उत्तर में काम कर रहे हैं उनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो अपने गरीबों तक ना तो वो हिंदू देखते, ना मुसलमान देखते, ना सिख देखते, ना ईसाई देखते, और हर गरीब की मदद करने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का उनके कने पहुंच जाए तो वो फौरन एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद वो अपना काम को अंजाम देते हैं। तो देखा आपने, तो आइए हम बढ़ते हैं, जो खाना हमारे गरीब लोगों को बांटा जा रहा है तो हम उस खाने को दिखाते हैं, और एक अगर आप देखें और उस खाने पर गौर करें, एक बेहतरीन खाना है जो हमारे विधायक जी आरिफ मंसूर साहब बढ़वा रहे हैं, और ऐसा खाना नहीं है जिसको खाने में परेशानी हो, अच्छे से अच्छा खाना बांटा जा रहा है 25 तारीख से, लेकिन गरीब जनता को कोई परेशानी नहीं है, इसमें खाने में कोई मिलावट नहीं है, ये खाना जिस तरह वो दिल से काम कर रहे हैं उस तरह जनता के लिए दिल से खाना बनवा भी रहे हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा एक नज़र हमारे खाने पे डालें, और ये देखिए खाना, ये खाना देखिए, आप मैं खुद दिखा रहा हूँ अपने हाथ से, ये देखिए आप एक नंबर खाना, जिससे लगता है अभी रोजे का टाइम चल रहा है, रमजान का टाइम चल रहा है, ऐसे मौके पे इतना अच्छा खाना जाना कितना सवाब का काम है, लोग खा रहे हैं तो दिल भर के हमारे विधायक जी को दुआ भी दे रहे हैं, और हमारी टीम जो दिन से दिन रात, देखिए एक बार टीम दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह काम कर रही है टीम इनका, ये देखिए, ये टीम देखिए आप किस तरह काम कर रही है, दिलो जान से लगी हुई है। अब हम टीम से थोड़ी सी बात करते हैं, आरिफ मंसूर साहब से, क्या आप इसकी पेमेंट ले रहे हैं? नहीं, ये अल्लाहबाद से आप काम कर रहे हैं? अल्लाहबाद है ना, ये हमदर्दी किसके लिए? गरीबों के लिए है, ये आपके पेट के लिए है? गरीबों के लिए
आरिफ मसूद साहब को जरिए बनाया, उसके जरिए से हम लोग भी लगे हुए अल्लाह का काम कर रहे हैं, गरीबों का। तो आपने देखा ये कितना अच्छा काम कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहा है। बेटा तुम भी बताओ कि आपको आरिफ मसूद साहब पैसा दे रहा है खाना खिलाने का, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं देखा आप कितने जवाब वाली बात है। अगर ऐसी टीम पूरे भोपाल के अंदर हो जाए और मसूद जैसे साहब इस तो कमालूम इस पब्लिक का इस जनता का कैसे क्या हो जाएगा। हमें लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हमें मकसद एक ही है कि तू मसीहा है इन गरीबों का। आज भी तेरी आस में गरीब का हर आदमी तेरे इंतजार में बैठा है। मैं लाइव ओके न्यूज से MJ खान।